कुछ दिनों में नहीं मिला भूमिधारी अधिकार तो होगा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। वर्ष 1982 में टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत टिहरी से लगभग 440 परिवारों को विस्थापित करके हरिद्वार ग्रामीण के पथरी क्षेत्र में बसाया गया था, किंतु 42 वर्ष पूरे होने पर भी किसी भी परिवार को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। दरअसल टिहरी के विस्थापित हुए परिवार पिछले 42 वर्षों से लगातार अपने भूमि के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें अभी तक उनके हाथ सफलता नहीं लग पाई है। इसके चलते कई बार बैठक भी की गई है, साथ ही लगातार सरकार के पटल पर अपनी मांग भी रखी गई है, किंतु सदैव निराशा ही हाथ लगी, जिसको लेकर आज दिनांक 21 जनवरी 2024 को टिहरी डोबनगर के पंचायत भवन में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। सभी 6 ग्राम प्रधान तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बहादराबाद की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 दिन के समय अंतर्गत अगर टिहरी विस्थापित पथरी जनपद हरिद्वार भाग 1, 2, 3, 4 को भूमिधर अधिकार नहीं मिलता तो सभी ग्राम पंचायत के सम्मानित ग्रामवासी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के साथ साथ आगामी सभी तरह के चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। बैठक में मौजूद रहे राज्य मंत्री महावीर सिंह रावत ने कहा कि पूर्व में भी सरकारों ने हमें ठगा है, किंतु अब ये सिलसिला नहीं चलने दिया जाएगा। यदि 21 दिन में भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया तो आने वाले सभी चुनाव का पूर्ण रूप से टिहरी विस्थापित की सभी पंचायतें बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि इससे भी बात नहीं बनती तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बैठक में मौजूद ग्राम प्रधान मंजीत खरोला ने बताया कि पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार ही हमें भूमिधरी का अधिकार दिलाएगा। ये आज जो मीटिंग थी हमारी टिहरी बांध विस्थापित पथरी में, जो टिहरी के लोग यहाँ पर बसाए गए विभिन्न भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भूमिधर के अधिकार में, आज तक टिहरी के विस्थापितों ने 40 से लगभग 40-42 साल हो चुके, लेकिन उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। और हमारी मांग नहीं है, हम लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लिया है, यदि सरकार ने 21 दिन में अमल नहीं किया गया, 21 दिन के बीच में हम लोगों के जो अधिकार की कार्रवाई नहीं, हम लोगों को भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर टिहरी बांध विस्थापित लोकसभा 24 का बिगुल बजा चुका है और यहाँ काले झंडे लहराए जाएंगे और यहाँ किसी भी बूथ पर हम यहाँ पर बूथ में कोई भी मत का प्रयोग नहीं करेगा। ये हमने आज निर्णय लिया है और हम सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि उनको हमारी जरूरत है, हमने राष्ट्र के लिए त्याग किया, हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारे मूलभूत सुविधाएं, हमने टिहरी डैम के बदले जो भूमि के बदले भूमि दी है, हम उसका अधिकार मांग रहे हैं। आज हमारे 45 साल हो गए, हमने उसके बाद अपज में हमारे लोगों की जो गुडविल खराब हुई है 40 साल में, और सरकार ये गुंगी वैरी सरकार आज हम लोगों की सुता तक नहीं ले पाई है। हमने आज कह दिया कि टिहरी विस्थापित में कोई भी दल हो, कोई राष्ट्रीय दल हो, कोई क्षेत्रीय दल हो, ये किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ मेरी मांग नहीं, ये पूरे टिहरी विस्थापित की और हमारे 6 के 6 जो नव निर्वाचित प्रधान है, प्रमुख है, और हम सब लोग एक ही नारा रहेगा, अब अगर हमारी मांग नहीं हुई तो हमारे यहाँ निश्चित तौर पर लोकसभा का विरोध किया जाएगा। और ये हमने मन बना दिया, 21 दिन के बाद हम फिर एक बैठक करेंगे और यदि फिर भी नहीं हुआ तो हमने कह दिया हम उच्चतम न्यायालय में अपनी मांग को रखेंगे और न्यायालय की शरण लेंगे। सर, आज जो ये बैठक रखी गई है, उस बैठक में समस्त विस्थापित, यहाँ पर जो विस्थापित परिवार टिहरी बांध परियोजना द्वारा बसाया गया है, 1850 परिवारों को यहाँ पर बसाया गया, और जो प्रथम भाग 1 है वो 1982 में बसाया गया, भाग 2, 3, 4 2002 में बसाया गया, लेकिन आज तक भूमिधर अधिकार नहीं दिए गए। इससे हमारे पूरे विस्थापित क्षेत्रों को न तो राज्य योजना का लाभ दिया जा रहा, न केंद्रीय योजना का लाभ दिया जा रहा। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उस पर जो कि 2020 में ये भी आदेश हो गए हैं कि पट्टेधारकों को भी प्रधान सम्मान निधि दी जाएगी, लेकिन वो आज तक भी नहीं दी गई। हमारा आज का मकसद यही है कि यहाँ पर 2024 का चुनाव लोकसभा का आने वाला है, इससे पहले हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, और पूर्व निदेशक टिहरी गढ़वाल को,
और हरिद्वार जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, और अगर ये हमारे 21 दिन में ये मांग पूरी करते हैं कि हमें भूमिधारी अधिकार दिया जाए, कृषि भूमि जो हमारी श्रेणी एक संक्रमणी भूमिधारी अधिकार थे वो हमने टीरी बांध परियोजना को सौंप दिए थे, उसके उपरांत हमें वही भूमिधारी अधिकार चाहिए जो हमें पैतृक, जो हमारे पैतृक लोग थे जिनके नाम पे ये भूमिधारी थी उसी नाम से हमें भूमिधारी अधिकार और श्रेणी एक में दिए जाए। ये जो आज मीटिंग रखी गई है भूमिधारी के लिए, ये इसलिए रखी गई है, पूरे संपूर्ण विस्थापित क्षेत्र की मीटिंग थी भूमिधारी की। हमें 40 से 42 साल हो चुके हैं, आज तक हमें सरकार जो लाभ है वो नहीं मिले हैं और ना हमें हमारा भूमिधारी अधिकार हमें मिला है। हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे, जो हमारा अधिकार है, जो हमने अपने भूमि के बदले भूमि दी, हमें उस भूमि के बदले भूमि हमें चाहिए और हमें हमारा भूमिधारी अधिकार दिया जाए। हम नहीं जानते कि कहाँ पर क्या कमी है क्या नहीं है, जब हमने अपनी जमीन को दी है तो हमें जमीन का हमें मालिकाना हक दिया जाए, इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है। अगर हमने ये प्रतिलिपि अभी बनाई है जिसमें हमने डीएम हरिद्वार और हमारे मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को, विधायक जी को प्रतिलिपि दी जाएगी, और 21 दिन के अंदर अगर हमारे इस चीज का कोई जवाब नहीं आता है तो हमारे समस्त विस्थापित क्षेत्रवासियों ने ये निर्णय लिया है कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, और चुनाव बहिष्कार करने के बाद जो अगर हमारा इस पे भी अगर वो नहीं किया जाएगा तो हम उसके बाद धरने पर बैठेंगे और हाई कोर्ट में ये याचिका डालेंगे, हमें हमारा भूमिधारी अधिकार दिया जाए।